हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टाक एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 4.6 ऑफ डिटरमिनेंट। नाउ गाइस, वक्त आ गया है जहां पे अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग चालू करने वाले हैं, जो सेक्शन डी में कंफर्म आएगा। जो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी, शुरू तो तभी हो गया था, बट अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये सेक्शन डी में कंफर्म आएगा। कंफर्म मतलब 100% श्योर लिख के ले लो, तो मेक श्योर। अच्छा, सबसे अच्छी बात, अगर कोई बच्चा वीक भी है होगा, देखो दिसंबर में सेशन पता चल जाती है कि हमारे को कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर शायद नहीं हो पाते, बट ये वो चैप्टर है और ये वो क्वेश्चन है जो हर वीक बच्चा भी कर सकता है। वीक बच्चे को भी आराम से इसका छोटा मोटा कंसेप्ट समझ लो और आप आराम से 4 या 6 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चन। यूजिंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मैथड, क्वेश्चन बोर्ड में भी यही लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ पे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब वो यू नहीं यू ऐसे कर दिया, 10th क्लास में से काट के लिया है, कई लोग करते हैं, मेरी कॉपियाँ देखी है, 100 में से 3-4 कॉपियाँ ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पे बच्चे ऐसी हरकतें कर देते हैं। तो प्लीज़ वो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं ऐसे हर काम ना करें, एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलो अब मार्क्स, अब अपन चालू करते हैं क्वेश्चन को। तो ए क्या है? 5, 2, 7, 3। बी क्या है? 4 and 5। एंड एक्स क्या है आपका? एक्स एंड वाई। एक और चीज, जनरली क्वेश्चन बोर्ड में 3x3 का आता है, जनरली, नॉट ऑलवेज, बट जनरली क्वेश्चन 3x3 का आता है। पर 2x2 से प्रैक्टिस बनती है, एक्यूरेसी बढ़ती है हमारी, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन में भी। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट, इसके बिना काम नहीं होगा, बिकॉज जीरो आ गया तो फिर एक्स और वाई की वैल्यू आएगी ही नहीं, है ना। तो हमको अगला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो सेक्शन डी में जो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे वहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, जीरो कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। कितना है? 15 माइनस 14 कितना है? 1, विच इज नॉट 0। सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट ऑल्सो, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंड कंसिस्टेंट ऑल्सो, ताकि ये रिविजन हो जाएगा हमारा। नाउ यू रिमेंबर द फॉर्मूला एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सपनों में भी ये फॉर्मूला आना चाहिए आज तो, जब जिन आपने वीडियो देखा है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत इजी है, ये वो लिस्ट है जिसको मुझे फॉलो करना है। x यू नो, बी यू नो एंड ए इनवर्स यू नो। हाउ टू फाइंड ए इनवर्स? 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलो लेट्स स्टार्ट। सो ए इनवर्स लाने का फॉर्मूला, देखो अपन जब भी किसी दुकान पे जाते हैं तो हम घर से लिस्ट बना के जाते हैं कि मुझे ये चीज़ लानी है ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ। तो ये फॉर्मूला भी मेरे लिए एक लिस्ट है, लिखने के बाद मुझे पता चलता है कि ये चीज़ें मुझे लानी है और मुझे इनको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये आ चुका है, ये लाना है एडजॉइंट। तो शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, करोगे शॉर्ट ट्रिक? चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग कोफैक्टर निकालने की वापस। तो C11 ये हो, ये गया 3, C12 1 और 2 गया तो -7, C21 ये हो, ये गया तो -2 एंड C22 ये हो, ये गया तो 5। अब एडजॉइंट निकाला मैंने, ट्रांसपोज कर दें, जैसे कि मैंने बोला था इसको तो कर दिया इंटरचेंज, इसको कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा यहाँ पे। नाउ लेट्स स्टार्ट, एडजॉइंट आ गया, तो ए इनवर्स कितना है यहाँ पास? ये तो 1 upon 1, 3 minus 2 minus 7 और 5, 1 upon 1 हटा दूँ, 1 ही होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या क्वेश्चन जीरा, x प्लस टू ए इनवर्स बी। x कितना है? x एंड y। ए इनवर्स कितना है बच्चों? 3 minus 2 minus 7 and 5। थोड़ा स्पेस दो यार, अच्छा नहीं लगता देखने में। और b कितना है? 4 and 5।
यू ऑल नो कितना आएगा, कई लोगों से मैट्रिक्स गलत हो जाता है, प्लीज मेक श्योर 2 by 2, 2 by 1 आने वाली मैट्रिक्स कितनी की होगी, 2 by 1 की। तो x अपॉन x और y एक और गलती है, कई बच्चे ऐसे लगा देते हैं तो ऐसा लगता है कि इट सीम्स लाइक x अपॉन y, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, करो मिडल 3 for 12 माइनस का 10, 7 for 8 प्लस 25, आपको कितना मिला 2 माइनस 3। तो बच्चों बाय कंपेयरिंग देखो x कितना आया 2, y कितना आ रहा है माइनस 3, सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू माइनस 3। अब सर कहीं गलती हो जाए हमसे क्वेश्चन आंसर आने में तो यू कैन चेक, यू कैन वेरीफाई, 2 रखो यहाँ पे, 2 5 10 y रखो 6, माइनस 6 हो जाएगा, 10 माइनस 6 कितना आया 4, सो योर आंसर इज वेरीफाइड। क्लियर है यहाँ पे, सबको समझ आया मेथड, डिटरमिनेंट निकाला, फॉर्म लगाया, लिस्ट बनाई, एडजॉइंट निकाला, इनवर्स आया, फॉर्मूले में पुट किया, ये वाले फॉर्मूले में सॉल्व किया, एंड यू विल गेट योर x एंड y। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चों सबको प्रोसेस क्लियर है, वापस पहले a निकालो, 2 minus 1 3 मन में बोलते जाओ या खुद करते जाओ, b -2 and 3 एंड x इक्वल्स टू x एंड y। क्लियर है यहाँ पे, चले अपन आगे। चलो अब क्या लिखना है बताओ, पहले क्या लाना है, सबसे पहले लाना है डिटरमिनेंट, चेक करते हैं कि जीरो है या नहीं है। 12 प्लस 3 कितना आया बच्चों, 15, नहीं ये तो कितना 8 आया ना, कितना है बच्चों ये आपको 11। ठीक है डन, नाउ अब मैं लिख नहीं रहा, जीरो नहीं है तो डेफिनेटली नॉन सिंगुलर हो गया, इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सो लिख देते हैं यहाँ पे, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट डन, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी का फॉर्मूला। मैं क्या तैयार करूँ, मेरी लिस्ट तैयार करो, लिस्ट मैं कुछ चीज़ भूल नहीं चाहूँ अपने लिए कि मुझे क्या लाना है और क्या छोड़ना है यहाँ पे, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 upon a एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, सो पहले मुझे निकालना एडजॉइंट, अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा दूँ, शॉर्ट ट्रिक, इसको तो मैंने इंटरचेंज कर दिया 4 2, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा +1 और ये -3। क्लियर सबको, इसको मैंने करा इंटरचेंज, इसको क्या मैंने माइनस से मल्टीप्लाई, सबको ट्रिक पता है, अभी मैं 2 से 3 बार मैंने बता चुका हूँ यहाँ पे, इनको कर दिया मैंने माइनस से मल्टीप्लाई। नाउ ए इनवर्स कितना है बच्चों हमारे पास, 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 11, ये कितना है 4 1 -3 and 2। इसको अंदर मत भेजना अभी, अभी इसको यहीं रहने दो। ठीक है, अब देखो कमाल देखना है, सो कोई भी अंदर मत भेजना है, इसको कितना आया x एंड y कितना आ रहा है, a इनवर्स कितना है बच्चों 1 upon 11 4 1 -3 and 2, b कितना है हमारा -2 and 3 -2 और 3, चलो 1 upon 11 -8 +3 +6 +6। ठीक है बच्चों, कितना आया ये 1 upon 11 और ये कितना मतलब -5, ये हो गया तुम्हारा 12। क्लियर, अब इसको मैं भेज सकता हूँ, तो देखना x y -5/11 12/11, अगर तुमने इसको यहीं भेज दिया तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन प्रॉब्लम आने लग जाएगी दिमाग में। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दो और सिंपल बाय कंपेयरिंग x इक्वल्स टू -5/11 एंड y इक्वल्स टू 12/11 लेट्स वेरीफाई आर आंसर। अरे मुझे क्या पता गलत हो जाए तो एग्जाम में, ये तो 2/2 है, अभी 3/3 लाऊंगा भयंकर कैलकुलेशन आने वाली है, तो वेरीफाई कर ले अपना आंसर। देखो वेरीफाई कर लेते हैं अपन,
कर लेना ताकि एकदम निकले तो प्राउडली कह सके कि मेरे 4 मार्क्स तो आएंगे, कन्फर्म आएंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं, जैसे 2x - y = -2 है, कितना है बच्चों, माइनस, तो -10/11 12 है, तो -12/11 कितना है, -22/11 कट के कितना है, -2। सो हैंस इट्स वेरीफाइड कि मेरा आंसर सही है, वो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स मैं घर लेके ही जाऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस, 9th और 10th आपका होमवर्क है। नाउ वी विल कंटिन्यू 3x3। सबके 2x2 के प्रोसेस, आपके 2x2 मैट्रिक्स वाला है, प्रोसेस सबके क्लियर है, इतना ही है। देखो भाई, मैंने आपको होमवर्क दिया है तो मतलब आपको करना है, यूँ नहीं कि मैंने छोड़ दिया, अरे हो जाएगा, ये जो बोलते ना हो जाएगा, उसी दिन गलती होती है। ठीक है, जितनी गलतियाँ होनी चाहिए वो सब अभी निकाल दो ताकि एग्जाम में गलतियाँ नहीं हो। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 3x3 मैट्रिक्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 11, और ये है 3x3 जो बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, बोर्ड में जनरली यही क्वेश्चन हमेशा आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट, कंसेप्ट सबका सेम है, 2x2 का जो था वही कंसेप्ट है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, बस 3x3 है, तो बड़ी कैलकुलेशन, बड़े कोफैक्टर्स, बड़े एडजॉइंट एंड बड़ा मल्टीप्लीकेशन। नाउ गाइस देखो, यहाँ पे थोड़ा सी यहाँ दिक्कत है, तो क्या करता हूँ, इस 2 को मैं यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 4y - 2z = 3। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे सर x तो है ही नहीं, तो 0x कर दें, 0 into anything remains 0। नाउ लेट्स राइट a, 2 - 4 - 2 = 3 - 5। बच्चों b कितना आएगा हमारे पास, 1, 3 और 9। एंड x कितना आएगा, x, y एंड z। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना, पहले डिटरमिनेंट ही निकालना है, ध्यान रखना। 2 20 - -6 तो क्या हो जाएगा, +6 - 1, ये और ये जाएगा, तो ये हुआ मतलब माइनस का 10 - 0 + 1 गया, कितना है बच्चों, 6, फिर 0 हटाओ, ये कितना है, 26 तो बोले तो 52, यहाँ आ जाएगा -(-+10) और ये 6, तो कितना आ रहा है पास, 62 और प्लस ये, तो जो कि 0 नहीं है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो यहाँ तक क्लियर। तो देखो, सुनो एक चीज़ सुनो, ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। सोचो अगर यही गलती हो जाए तो क्या होगा, तो 6 में से शायद तुम्हें एक मार्क्स ही मिलने वाला होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर ये दोबारा नहीं चेक कर लो, किसी को बहुत भरोसा तो अच्छी बात है, पर हल्का सा भी अगर भरोसा नहीं है खुद पे, या फॉर वेरिफिकेशन, फॉर 100% कॉन्फिडेंस, रीचेक कर लो। रीचेक में ज़्यादा 10 सेकेंड और लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि रीचेक कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मेरी लिस्ट बना दूँ, लिस्ट किराना की लिस्ट बना दूँ, क्या आएगा, x = a इनवर्स b, और a इनवर्स कैसे आएगा, 1/a डिटरमिनेंट ऑफ एंड एडजॉइंट ऑफ a, क्लियर यहाँ पे। नाउ लेट्स फाइंड आउट, डेफिनेटली मुझे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैंने बताई नहीं अभी आप लोगों को। कोफैक्टर्स c11, नाउ इट्स अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर रखें, काफ़ी कुछ होमवर्क मिलने वाला है आपको। c11 की बात करें, देखो यहाँ पे ये छोड़ा तो -20 + 20 हो गया, -+6 तो कितना आया, 26। c12 एक नेगेटिव आएगा, 1 और 2 गया, -10 - 0 हो गया, तो कितना आया, +10। हालांकि कोई ये वही वैल्यू जो यहाँ पे है। c13 कितना आएगा, 6, चेक कर लो ना, ये हो गया 6। c21 एक नेगेटिव लगा दें हम लोग, 2 + 1 = 3 और मतलब नेगेटिव, ध्यान रखें 2 और 1, तो -5 बच्चों, -3 और -3 परफेक्ट, -8 तो क्या हो जाएगा, ये +8 हो गया हमारा। c22 2 + 2 = 4, -4 पॉजिटिव एंड क्लियर। ठीक है, ये और ये गया, तो माइनस का
10, यहाँ 0 हटाओ इसको, 2, 3, 2 और 3, तो नेगेटिव आएगा 2 और 3, तो ये 6, तो दिस विल बिकम माइनस का 6। इधर बहुत एक्यूरेसी चाहिए, भयंकर एक्यूरेसी चाहिए भाई, गलत हुआ नहीं खत्म हो जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। C 3 1, बहुत ध्यान देना, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि गलतियाँ तुमसे होती है। डन, परफेक्ट, चेक कर दो बच्चों, 3 2, ये और ये नेगेटिव आना ही आना है यहाँ पे, एक नेगेटिव आएगा 3 और 2, तो माइनस का 4, माइनस का 2, तो माइनस 6, और क्या हो जाएगा ये, प्लस 6, क्लियर। C 3 3, पॉजिटिव, माइनस का 8, माइनस 2, तो कितना हो गया ये, माइनस 10। सो आपका एडजॉइंट ए क्या आया, ट्रांसपोज करते हैं, 26, 10, 6, 8, माइनस 10, माइनस 6, 2, 6 और माइनस 10। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है अपना? सब बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है अपना? नेक्स्ट क्या चलना है, ए इनवर्स निकालना है, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन कितना है हमारे पास, 68, और देखो इसको 26, 8, 2, 10, माइनस 10, 6, 6 माइनस 6 एंड माइनस का 10, ये आपका क्या आया, ए इनवर्स। यहाँ तक पहुँचे, नाउ क्या है निकालना है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, तो ये x, y एंड z, ए इनवर्स 1 अपॉन 68, रिमेंबर अंदर मत भेज देना, मुझे पता है कुछ कुछ चीज़ें कट रही है पर भेजना मत, वरना कैलकुलेशन में वाट लग जाएगी, दिक्कत आ जाएगी भयंकर वाली। और एक भी माइनस भूलना मत, एन बी कितना है बस, 139 ना, अनदर टास्क कि इनको मल्टीप्लाई करना अलग हेडेक है, चलो करते हैं। 26, 8 से 24, 9 टू 18 कितना है, 10 माइनस 54, 6 माइनस का 18 माइनस का 90, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है, क्लियर। सो बच्चों कितना आएगा यहाँ पे, x, y एंड z 1 अपॉन 68, कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे, 20 40 40, ये हो गया 50 68 68 आया एक, तो चलो खुशी मिली इस नंबर को देख के, टांग कट जाएंगे। चलो माइनस 20, माइनस 20 हुआ तो माइनस का 34, माइनस 20 हो गया तो ये आ गया 24, और लास्ट माइनस 19 ये हो गया 108, 6 गया तो 102, किसका, माइनस का, क्लियर हुआ। सो कंपेयर करेंगे तो x कितना आएगा, 68 अपॉन 68, जो कि हुआ 1, y आ रहा है 24 अपॉन 68, काटो 1 2 34, कट रहा है भी 6, और ये 117, तो यहाँ पे दिक्कत आया है हमको, देखो क्या गलती हुई है, 34 है बच्चों, 34 अपॉन 68, काटो कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है ये हमारा 34, ठीक है, और z का रहा था कितना आया, माइनस 102 अपॉन 68, कैंसिल करो कितना आया, 51 और 34, और कैंसिल हो रहा है क्या, 34, ये 17 से जा रहा है, 17 3 जा 17 2 जा, तो माइनस 3 बाय 4 हमारा x आ गया 1,
अच्छे से लिखते हैं इसको, x आया 1, y आया हाफ एंड z आया हमारा माइनस का 3/4 एंड दिस इज ए 6 मार्क क्वेश्चन। सो गाइस प्लीज ध्यान दें इस क्वेश्चन पे, कंसेप्ट वही हैं जो छोटे क्वेश्चन के भी वही हैं, बस यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी। हर कदम पे चेक करना एंड पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यू कैन वेरीफाई योर आंसर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सो बच्चों क्वेश्चन 12 पे आते हैं, 3/3 सेम प्रोसेस, 13 आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, प्रोसेस सबका सेम ही, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। ए निकालो पहले, क्या निकालना है, ए 1 - 1 - 1 2 - 1 - 3 1 - 1 - 1। ठीक है, बी लिखें 4 - 0 - 2, एक्स लिखें एक्स वाई एंड जेड। अब क्या निकालना है, बोलो मन में बोलो क्या निकालना है। डिटर्मिनेंट 1 - 3 - -1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 4 + 5 + 2 - 1 कितना आया 10, विच इज नॉट 0। मतलब ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, मेरी लिस्ट बना दो, लिस्ट क्या से लिस्ट थी मेरी, फॉर्मूला की लिस्ट। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बोलो मन में बोलो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, नाउ जो मेहनत है वो मेरी कहां पे आ रही है, अभी कोफैक्टर निकालने में। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव साइन, तो जो आ रहा है क्या आ रहा है, 4, देखो ना करो C12, नेगेटिव साइन आएगा, बीच में क्या आया 5, तो थोड़ी सी हेल्प हम लोग स्मार्ट वर्क से ले सकते हैं। बीच में जो आया 4, ये आया 5, पर ये नेगेटिव कहाँ से आया, 1 + 2 से 3, एंड C13 कितना आ रहा है, 1, चेक कर लो 1 और 3 2 - 1। चलो ये आया आपका, तो कितना आया ये -5, चलो C21 माइनस एन आ जाएगा 2 and 1, तो -1 - 1 तो दिस विल बिकम 2, C22 पॉजिटिव रहेगा बच्चों, ये और ये गया 1 - 1, तो दिस विल बिकम 0, C23 माइनस एन आएगा बच्चों 2 and 3 1, कुछ गलती कहाँ करी हम लोगों ने, 2 और 2 गया तो 1 ही गया, सही करा हम लोगों ने 2 and 3 1 + 1 कितना आया -2 एंड C23 नहीं कौन सा आएगा 3 1, मैं देख रहा हूँ लोग जाग रहे कि नहीं जाग रहे, प्लस 3 + 1 - 4 पॉजिटिव साइन 3 and 1, तो 3 - 1 तो कितना आया बच्चों 2 आ गया। ठीक है, C32 माइनस एन आएगा, एक तो 3 + 2 - 5 दैट इज ऑड 3 and 2 -3 - 2 एंड बोले तो +5 -3 - 2 - 5 - +, C3 and 3। ठीक है, क्या आएगा 3 और 3, तो क्या बचा बच्चों 2 - +2 कितना आया 4 आया, 3 और 3 गया तो नहीं, यहाँ पे क्या गलती करिए 1 + 2 कितना आया 3। क्लियर, नाउ हमको क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कर दें इसका 4 - 5 - 2 - 0 - 2 - 2 - 5 - 3। क्लियर यहाँ तक, तक नाउ x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, तो अब डायरेक्ट करें ए इनवर्स कितना है हमारे पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, बोले तो 1 अपॉन 10 4 - 2 - 2 - 5 - 0 - 2 - 3 बच्चों बी कितना है हमारे पास, ये रहा
402. नाउ मैंने जैसे बोला है आपको कि इस x को अंदर, इस 10 को अंदर मत ले जाना, ठीक है ना, ध्यान रखना. कितना है 16, 0 और 4, माइनस का 4 कितना है 20, 0, 10, 4 माइनस प्लस 0, 6, क्लियर. 1 अपॉन 10, 20 आ रहा है, 10 आ रहा है बच्चों, और 10 आ रहा है. हालांकि ऐसे नंबर देख के और खुशी मिलती है कि मेरा जो नीचे वाला 10 है वो कट रहा है, ठीक है. यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2, ये माइनस 10 है यहाँ पे, ठीक है, 2 माइनस 1 एंड 1, परफेक्ट. सो बच्चों x कितना आ रहा है 2, y कितना आ रहा है माइनस 1 एंड z कितना आ रहा है 1, चेक कर लें. रखें यहाँ पे 2 प्लस 1 और 1, तो 4 आ गया. अपने हमारा आंसर वेरीफाई कर लिया. सो आई थिंक सो आपको सबको क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट कि इन क्वेश्चन में जब बोर्ड में आएंगे कभी भी एक तो डिटरमिनेंट जीरो नहीं आने वाला, मोस्ट हमेशा आज तक तो कभी नहीं आया, ठीक है. फॉर्मूला लिखा, ए इनवर्स निकाला, कोफैक्टर्स का यूज करके एडजॉइंट निकाला, आ गया ए इनवर्स, पुट करा, मल्टीप्लाई करा. द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए. हमने यही देखा है कि जनरली हर बच्चों को फॉर्मूला याद रहता है, बट जो गलती होती है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक पे. तो किसी भी क्वेश्चन को लेट इट गो मत करना, ऐसे ही मत लेना, ग्रांटेड मत लेना, प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस के बाद आपसे आपके आंसर आएंगे, गलतियाँ निकलेगी, पर घर पर निकल जाए गलतियाँ अच्छी रहेगा, रेदर देन एग्जाम में निकले, बेटर देन प्रैक्टिस करो अच्छे से.